जहां चुनाव को लेकर के पूरा माहौल गर्म है, वहीं हिजाब को लेकर के आप देख सकते हैं लुधियाना में मार्च निकाला जा रहा है। पहले कर्नाटक, कर्नाटक से यूपी, अब ये हिजाब मार्च लुधियाना पहुंच चुका है। मेरे साथ यहां पे महिलाएं हैं जो हिजाब मार्च निकाल रही, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे हमारा हिजाब हमारी शान है, हमारा हिजाब मैं यही कहना चाहूंगी कि जब नवरात्रि के टाइम पे हमारी कंजकों को पूजा जाता है, उनके सर पे चुनरी दी जाती है, तो आज इन कंजकों के सिर पे हिजाब उतारने की बात क्यों की जा रही है? मैं यही कहना चाहूंगी कि हरे और केसरी में मत बांटो हमें, हमारी छत पर तिरंगा रहने दो, कि हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे हमें लड़वाना प्लीज बंद करो, प्लीज बंद करो। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जिस धर्म की बहन है सबकी इज्जत है, सारी माँ बहनों की इज्जत होती है। अगर हम हिजाब में रहना चाहते हैं तो हमारे हिजाब से उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हिजाब नहीं उतरवाना चाहिए, हिजाब हमारी शान है, हिजाब सब में ये पहनते हैं, मतलब कि सिख धर्म में गुरुद्वारे जाते हैं, सिर कवर करते हैं, मंदिर गुरुद्वारों में भी पहनते हैं, दुपट्टा चुन्नी सर पर रख के जाते हैं, मंदिरों में भी चुन्नी सर पर रख के जाते हैं, तो फिर हम जब निकलते हैं तो फिर कंचका में जब बिठाते हैं तो उनकी भी सर पर चुन्नी रखी जाती है, तो फिर हमारा हिजाब क्यों उतरवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं महिलाएं ये कह रही हैं कि हिजाब जो है वो तन ढकने के लिए है और उसको क्यों उस पर बैन लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। राजेश गौतम, न्यूज़ 24, लुधियाना।